लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 मार्च को देर रात चौथी लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दी गई है। वहीं वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा गया है। इसमें 12 राज्यों के 45 नाम हैं। मध्य प्रदेश से 12, उत्तर प्रदेश से 9, महाराष्ट्र से 4, तमिलनाडु से 7, मणिपुर 2, मिजोरम से 1, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से 2-2, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और असम से 1-1 उम्मीदवार का ऐलान किया। इस लिस्ट में राजस्थान की 3 में से 1 सीट नागौर है। इसे कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी RLP के लिए छोड़ दिया है। कांग्रेस ने 21 मार्च को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट का ऐलान किया था, जिसमें 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 56 उम्मीदवारों के नाम थे। वहीं दूसरी लिस्ट में 6 राज्यों के 43 नाम थे। इसे मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, तो राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। इससे पहले 8 मार्च को जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की जानकारी थी। कांग्रेस अब तक 183 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।